और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के कुछ ऐसे हिस्सों की तस्वीरें जहां पर इस वक्त बर्फीली चादर बिछ चुकी है, सफेद बर्फ से ढक चुकी है जगह। श्रीनगर की बात हम करेंगे, साथ ही शिमला और औली, जहां पर इस वक्त पर्यटक तो पहुंचे ही बर्फ का मजा लेने के लिए, लेकिन वहां पर लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी है, नलों में पानी जाम हो चुका है, कई दिनों से वहां पर बिजली नहीं है। इन सब के बीच, इस ठंड के बीच वहां पर लोग रहने को मजबूर हैं। और साथ ही शिमला की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले कई दिनों से वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानी तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन मुश्किलों का सबब भी बढ़ता जा रहा है। पटनी टॉप और साथ ही जवाहर टनल में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, और जिसकी वजह से पारा शून्य से कई डिग्री नीचे लुढ़क चुका है और बर्फ की एक मोटी परत पूरे शहर पर देखी जा सकती है। शुजाउल हक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, ये बताइए कि ऐसा मौसम जो बर्फबारी का मौसम है, अगले कितने दिनों तक यहाँ पर रहने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कल रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर में इस वक्त भी लगातार बर्फबारी हो रही है, और बाकी इलाकों की बात करें तो गुलमर्ग, पहलगाम जैसे ऊपरी इलाके जो है वहां पे इससे भी ज्यादा बर्फबारी कल रात से ही होती दिख रही है। अब इस बर्फबारी की वजह से एक तरफ तो देखिए सैलानियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बर्फबारी को देखने के लिए आते हैं कश्मीर घाटी में। लेकिन जो आम लोग हैं वो खासे परेशान हो जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है, सड़कों पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर गाड़ियां चलती भी हैं तो बहुत ही धीमी स्पीड से, क्योंकि स्लिप बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात जो जैसा आप बता रहे थे, नेशनल हाईवे जो है कश्मीर का, जो बाकी मुल्क के साथ कश्मीर को कनेक्ट करता है, वो बंद हो जाता है। वो आज सुबह से ही नेशनल हाईवे बंद है, पत्नी टॉप और जवाहर टनल में बर्फबारी होने की वजह से बंद है, और अभी तक लोगों को पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा इसको खुलने में, उसकी वजह से खासी मुश्किलात आती है। तो जहां एक तरफ टूरिस्ट के लिए ये अच्छा मौसम होता है, लोग जो यहां रहते हैं कश्मीर घाटी में उनके लिए खासी मुश्किलात का वक्त होता है, क्योंकि बर्फबारी से बहुत कुछ। शुजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरह से श्रीनगर में मौसम का मिजाज ऐसा है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड है, और साथ ही सर्दी के सितम से वहां पर लोग भी परेशान हैं, लेकिन सैलानी भी वहां पर जुट रहे हैं इस ठंड का मजा लेने के लिए। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए आज तक।